अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट के साथ। हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशंस में सऊदी मार्केट को, यूएई को, दीज आर फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स इन द गल्फ एरिया, हमने इनको कवर किया था, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को, नेटवर्क कैसा है वहाँ पर, किस तरह से लोग अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से जॉब्स हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। हाउ डू दे स्टैंड एज अ मार्केट। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि इसी तरीके से हम वेस्टर्न रीजन्स को भी कवर करें। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा काबिल लोग, बहुत ज़्यादा तरक्की वहाँ पर हासिल कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम, यूके मार्केट की, जहाँ पर न सिर्फ बिग फोर फर्म्स मौजूद हैं बल्कि इसके अलावा कई ऑडिट फर्म्स, कई एडवाइजरी फर्म्स हैं जो खासा बड़ा बिजनेस और खासा बड़ा स्केल रखती हैं। क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ के माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, किस तरीके से वहाँ पे जाया जा सकता है, कैसे वहाँ की फर्म्स जो है वो पाकिस्तानी टैलेंट को देखती हैं, और हमारे लोग किस तरीके से वहाँ पे जो है वो जगह बना सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है आज की पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वक्कास कुडवावी, ही इज़ सीनियर मैनेजर एश्योरेंस इन वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स इन यूके, एंड हैव स्पेंट अबाउट 8 to 10 years ओवर देयर। काफ़ी लंबा अरसा वो वहाँ पर गुजार चुके हैं, काफ़ी टाइम वहाँ पर रह चुके हैं। आज उनकी इनसाइट्स और उनकी एक्सपीरियंस से हम यूके मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वक्कास, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल, आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वकास, आपने टाइम निकाला संडे वाले दिन, मैंने दोपहर को 1 बजे आपको तंग किया है प्रॉपरली। और ये है कि इस पॉडकास्ट और इस कॉन्वर्सेशन के लिए आपको इनवाइट किया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नो प्रॉब्लम। वकास, हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, इसमें हम नॉर्मली ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो लार्जर परस्पेक्टिव में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के जो है वो काम है। रिसेंटली वी हैव बीन ऑन टू दिस सीरीज जहाँ पे हम मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस को कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज दोज मार्केट्स स्टैंड एज अ मार्केट इटसेल्फ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ECCS के लिए, ICMS के लिए, या दूसरे फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए वो जगहें कैसी हैं। सो वी कवर्ड क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस इन मिडल ईस्ट और इस तरह की और जोग्राफिकल लोकेशंस। आपका चूंकि एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, बहुत सारा टाइम जो है वो यूके में गुजरा है, एंड यू आर पार्ट ऑफ द वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स, आप सीनियर मैनेजर की पोजिशन पर वहाँ पर हैं, यू हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन द नेटवर्क एज वेल एज इन यूके। तो मैं चाह रहा था कि आपसे जो कॉन्वर्सेशन करें उसमें हम यूके स्पेसिफिकली एज अ मार्केट इसको कवर करें। वैसे भी आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा पाकिस्तान से हर साल ब्रेन ड्रेन ठीक ठाक हो रहा है। सो 6-8 लाख लोगों का निकल जाना, पाकिस्तान से बाहर चले जाना, इसकी पॉजिटिव एंगल्स भी हैं इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट वी आर गेटिंग इन द कंट्री। और जब लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझना, जो जो मॉडर्न चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना, फिर किसी न किसी एंगल से वो चीज़ पाकिस्तान रिटर्न ज़रूर होती है। कभी कभी वो बिज़नेस के एंगल से होती है, कभी वो बिज़नेस के अलावा जो है वो दूसरे तरीके से होती है, बट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू द कंट्री इन 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 आइदर वेज, दोनों में से कोई भी एक तरीके से। सो वी वॉन्टेड टू कवर यूके का पूरा सिनारियो विद यू। आपको तकरीबन काफ़ी अर्सा वहाँ पर हो गया है, सो विल स्टार्ट अवर कॉन्वर्सेशन विद योर बैकग्राउंड। थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह, लेकिन आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड डूइंग सीए, और आपकी जर्नी कैसी रही? पहले हम आपके बैकग्राउंड की बात करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वी विल एक्सप्लोर मोर थिंग्स। ओके, श्योर श्योर। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द आई थिंक स्कूलिंग वाज आई एंडेड माय स्कूलिंग इन 2008, और उसके बाद फिर स्कूलिंग थी कॉमर्स बैकग्राउंड, उसके बाद मैंने कॉलेज भी कॉमर्स बैकग्राउंड से किया, और उसके बाद 2010 में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई ट्राइड फॉर सीए, वाज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी एट दैट टाइम। द रीजन बीइंग, अब जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आपके आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर, वो होता है कि यार टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, और वो टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी एक दो हैं। आई डिड ट्राई दैट, बट अनफॉर्चुनेटली जाहिर है सीट्स भी लिमिटेड होती है और सब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आई कुडंट गेट इट गेट इन देयर। तो फिर सेकेंड ऑप्शन यही था कि यार अब ऐसी क्या चीज़ है जो जो डिमांड में भी है और फ्यूचर भी अच्छा है, और अगेन लुकिंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज बाहर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो सी ए वॉज क्वाइट अ कॉमन थिंग, अगेन देयर वॉज अ चॉइस बिटवीन ACCA एंड सी ए, बट अगेन सी ए वॉज समथिंग दैट एवरीवन सेड कि यार सी ए इज क्वाइट प्रेस्टिजियस इन पाकिस्तान एंड यू शुड ट्राई दैट। आई स्टार्टेड दैट जर्नी बेस्ड ऑन दैट। माई फादर वॉज क्वाइट इंसिस्टेड, ही वॉज लाइक यू शुड डू सी ए, ही वॉज
आई थिंक इट वाज हिज ड्रीम बेसिकली दैट ही वांटेड मी टू डू सीए. वो भी एक थॉट प्रोसेस था कि यार मैंने कहा चलो सही है लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड आई रिमेंबर मॉड्यूल ए आई थिंक स्टार्टेड इन तवानीज एज मेनी अदर पीपल एट दैट टाइम. एंड इट वाज क्वाइट क्वाइट एक्साइटिंग एट दैट टाइम गिवन गिवन द टीचर्स वी हैड स्पेशली इन मॉड्यूल ए बी सी एंड यू नो ऑल दोस मॉड्यूल्स. तो जर्नी काफी अच्छी रही एंड इट वाज क्वाइट स्मूथ एट द स्टार्ट. बट अगेन एज सीए गोज आपके पेपर रुकना शुरू हो जाते हैं. यू गेट अ शॉक इनिशियली. तो आई रिमेंबर आई गॉट अ शॉक इन मॉड्यूल बी एंड दैट वाज एन अकाउंटिंग पेपर. And obviously, it's the most important paper in CA, right? If you are doing CA and you fail accounting, it's a shock for you. But alhamdulillah, I recovered from that shock and made sure that I start clearing my exams. And then yeah, went on to clear module D in 2 years, which is the standard time. And because I was going fine with my journey, managed to get in Ferguson as well. PWC Pakistan और भी बाकी बिग फोर से ऑफर आई थी बट डिसाइडेड टू गो विथ PWC Pakistan. कंसिडरिंग अगेन मैनी पीपल रिकमेंडेड कि यार काफ़ी पुरानी फर्म है एंड इट विल बेनिफिट यू फॉर इन द फ्यूचर. तो अगेन 2012 में आई रिमेंबर आई स्टार्टेड माई जर्नी इन फर्ग्यूसन. एंड देन या यू स्टार्ट दोज 3.5 ईयर टाइम इन डूइंग आर्टिकलशिप. बेसिकली आर्टिकलशिप में आई रिमेंबर कि यार आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स नाउ. इज इट सिमिलर और हैज इट चेंज. आई नो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. कैफ और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. आई पर्सनली डोंट नो दैट. बट पहले तो यही होता था मॉड्यूल ई और मॉड्यूल एफ 8 पेपर आपको क्लियर करने होते थे. अगेन वाइल्ड यू आर वर्किंग ऑन योर क्लाइंट्स ऑन योर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा. तो वो एक मुश्किल टाइम था. मैं उस पर रिफ्लेक्ट करता हूँ वो काफी डिफिकल्ट डिफिकल्ट 3.5 साल थे. क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को भी मैनेज कर रहे होते हो और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे होते हो. कंसिडरिंग मतलब जो टाइम होता है. इफ आई रिफ्लेक्ट बैक एंड इफ आई थिंक यार वो सिचुएशन वापस अभी वैसी सिचुएशन आए तो क्या मैं कर सकूंगा. शायद शायद नहीं क्योंकि वो काफी डिमांडिंग होती है इन माई व्यू. बाकी जो आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह जो कर रहे हैं दे शुड एक्नॉलेज दैट दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ कंसिडरिंग यू आर मैनेजिंग टू टू हाई डिमांडिंग जॉब्स एट वन टाइम. इट्स नॉट एन ईजी थिंग बट अलहमदुल्ला अगेन मॉड्यूल ई और मॉड्यूल एफ काफी स्मूथली हो गया था मेरा. पेपर रुके थे अगेन. आई रिमेम्बर मॉड्यूल ई में एक एग्जाम रुका था मेरा एंड दैट वाज कंपनी लॉ. और काफी काफी बड़ा एग्जाम होता है. वो फेल हो जाए तो आपको वापस से बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है. बट अलहमदुलिल्लाह मॉड्यूल एफ के साथ वो निकल गया. फिर एफ में आई रिमेम्बर मेरे 2 एग्जाम रुके थे बट अगेन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई मैनेज टू क्लियर इट. तो अलहमदुलिल्लाह आर्टिकल्स के अंदर ही सारा कुछ हो गया था. और अगेन जब आर्टिकल्स के अंदर आपके पास आपकी ये चीजें हो जाती हैं देन यू गेट सम टाइम टू जस्ट फोकस ऑन योर जॉब जस्ट फोकस ऑन योर आर्टिकलशिप. And that allows you to get your hands in more demanding projects. और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं फर्म के अंदर. आई एम श्योर अभी भी इसी इसी तरीके का सिस्टम होता होगा. ऐसा ही है, ऐसा ही है। Because I cleared my exams and I was in that liberty to you know focus on job. I was given good engagements to lead etc. तो उसका काफी इम्पैक्ट था. और फिर उसके बाद once you clear your articleship you have an opportunity to obviously to stay in the firm or to just go to industry, right? For me I decided to stay with the firm because I wanted to gain some of the audit experience there. मुझे इस बात का अंदाजा था कि यार काफी काफी हेल्पफुल होता है ये सारा एक्सपीरियंस. प्लस इफ यू स्टे इन द फर्म you have more of an opportunity to go out of Pakistan. सही है. इनिशियली मेरा ये प्लान मतलब सॉलिड प्लान नहीं था कि यार मुझे बाहर ही जाना है. बट दैट वाज वन ऑफ द ऑप्शन आई केप्ट एट दैट टाइम. एंड आई रिमेम्बर नॉट 100% क्लियर. काफी टाइम हो गया मुझे याद नहीं है कि वो आर्टिकल्स के बीच में था या आर्टिकल्स के बाद था. आई थिंक इट वाज इन आर्टिकल्स.
जब मुझे यूके जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी फर्ग्यूसन की तरफ से, आई वाज गिवन अ जॉब व्हिच यू नो आई वाज अलाउड टू गो टू यूके एंड एक्सपीरियंस सम ऑफ दैट। आई रिमेम्बर जब मैं वापस आया था तो मैंने उस वक्त दिमाग बना लिया था कि यार अब मुझे यूके जाना है। तो दैट दैट वाज समथिंग आई हैड द क्लैरिटी एट दैट टाइम सिकॉन्मेंट कि काइंड ऑफ यार थिंग या कोई असाइनमेंट था? सॉरी सॉरी टू कट यू. हाँ नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने क्लियर नहीं किया। इट वाज नॉट अ सेकॉन्मेंट, इट वाज जस्ट जस्ट 1 week असाइनमेंट। 1 week का सही. ऑडिट था बेसिकली, और 2 week हमने गुजारे थे। बट अगेन उस 2 week ने मुझे इतना इम्प्रेस किया था, क्लाइंट ने भी इम्प्रेस किया था, वर्क कल्चर ने भी इम्प्रेस किया था, और ऑब्वियसली यूके जब आप पाकिस्तान से आते हो, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान काम के सिलसिले में। तो यूके के लाइफ स्टाइल ने, जो यहाँ का सारा सिस्टम था, उसने मुझे इम्प्रेस किया था, और आई वाज लाइक यार दिस इज अ प्लेस वेयर आई कैन स्पेंड सम टाइम। अगेन उस वक्त मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि यार मुझे सारी जिंदगी यूके में गुजारनी है या लॉन्ग टर्म रहना है, बट इट वाज माय एम कि यार मैं यहाँ आऊँ और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लूँ, कंसिडरिंग यूके ओबवियसली इज अ बिग नेम एंड समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस एंड आई लाइक्ड। तो ये बेसिकली मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। अगेन आफ्टर आर्टिकलशिप, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एज एन असिस्टेंट मैनेजर, आई रिमेम्बर आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय माय पार्टनर्स दैट आई वांट टू गो आउट। दे सपोर्टेड मी एंड इवेंचुअली आई लैंडेड एन इंटरव्यू एंड मैनेज्ड टू गेट टू द यूके इन वन ऑफ द बिग फोर्स। तो दिस इज होपफुली अ Nice. हेल्पफुल समरी So that मेरे 2 weeks लिए। assignment was basically a tipping point for you, कि आप जो है वो पाकिस्तान से निकलें और यूके की तरफ जाएं. मुझे मुझे ये बताएं वकास कि चलिए डिसीजन मेकिंग का जो थॉट प्रोसेस था वो तो समझ में आया, व्हाई यू वांटेड टू गो टुवर्ड्स यूके और आपको उसको क्यों एक्सप्लोर करना था. बट एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है लोगों का कि अगर वो पाकिस्तान से पहली बार निकलते हैं देन नॉट श्योर कि रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे. फैमिली कभी जो है वो कंसिडरेशन होती है एंड पीपल से कि यार अगर आपको टेस्ट करना है, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि इफ यू वांट टू स्टे आउटसाइड पाकिस्तान और नॉट, टू अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई मिडल ईस्ट फर्स्ट. वो मिडल ईस्ट जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, प्लस इनकम टैक्स कम होता है, दे गेट अ लॉट ऑफ सेविंग्स ओवर देयर, और फिर वो उसके बाद जो है वो यूके से यानी मिडल ईस्ट से आगे मूव करते हैं फॉर द पासपोर्ट. वंस दे गेट द पासपोर्ट फिर उसके बाद या तो मिडल ईस्ट वापस आते हैं या वहीं पर कंटिन्यू करते हैं. एक नॉर्मल जर्नी जो है वो उस तरीके से जो है वो रहती है. और यूके के बारे में लेट्स भी मैं थोड़ा सा इस पे जो है वो रियलिस्टिक बात करूं तो एक ये भी ओपिनियन बहुत कॉमन है और जाहिर है वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है कि यूके और इस तरह की जगहों पे सेविंग्स नहीं होती. जब आप वहाँ पे जाते हैं दी एक्सपेंसेस आर रियल रियल गुड एक्सपेंसेस और आपको आपका अच्छा खासा पोर्शन जो टैक्सेशन भी है एक्सपेंसेस भी है सारा उसी में जो है वो निकल जाता है. सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे काम कल्चर इन्वायरमेंट ग्रोथ ये तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है, लेकिन थोड़ा सा मॉनिटरी एंगल वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है, चैलेंज्ड होता है एट पार विद देयर नॉर्मल वर्क स्ट्रीम होता है. तो ये कुछ सवाल होते हैं जहन में. सो व्हाट वाज योर कंसिडरेशन एट दैट टाइम, क्या आपने मिडल ईस्ट को कंसिडर किया था नहीं किया था, व्हाट वाज दैट लाइक? मिडल ईस्ट को मैंने बिल्कुल कंसिडर किया था, और ऑनेस्टली एट दैट टाइम आई हैड अ सिमिलर ऑफर फ्रॉम मिडल ईस्ट। सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट सेम ऑफर थी जो यूके से थी, उसी फर्म से मुझे दुबई से भी ऑफर थी, सेम पोजीशन की ऑफर थी एट दैट सेम टाइम। एंड आई हैड टू मेक अ चॉइस कि यार मुझे यूके जाना है या फिर मिडल ईस्ट जाना है, दुबई जाना है। तो जाहिर है उस बारे में मैंने सोचा था, अब आपको डिसाइड करना होता है। एंड द थॉट प्रोसेस आई हैड एट दैट टाइम वाज येस आई न्यू कि यार मॉनिटरी एंगल, दुबई में बहुत पैसे बनेंगे एज कम्पेयर टू यूके। आई न्यू दैट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इनफैक्ट उस वक्त यूके की इतनी इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे देवर नॉट मेनी पीपल आउट आउट इन द यूके फ्रॉम फ्रॉम कराची, फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप लिंक्डइन पे जाके उस वक्त सर्च करते यार एक्स वाई जेड बिग फोर दुबई, तो आपको बहुत सारे लोग नजर आते थे पाकिस्तानी बैकग्राउंड के। इट वॉज इन द केस फॉर पाकिस्तान एट दैट टाइम। इतने ज्यादा लोग पाकिस्तान से यूके में नहीं होते थे, तो आई कुडेंट फाइंड एनीवन के यार जो मुझे एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है, एग्जैक्ट नंबर्स बता सके यार एक्सपेंस कितना होगा, आप सेविंग कर भी सकोगे नहीं कर सकोगे। तो इट वाज अ बिट एम्बिगुअस एट दैट टाइम। बट द थिंग दैट ड्राइव माय डिसीजन मेकिंग वाज ओब्वियसली द एक्सपीरियंस। अगेन सेम चीज, दुबई के अंदर 50 पाकिस्तानी बैठे हैं, यूके में देर आर लिमिटेड पीपल आउट देयर। What experience would be more valuable in short to medium term? The answer I got was obviously UK, एक developing, more developed market है,
लोग वहाँ कम बैठे हैं, बहुत सुना हुआ है आपने, तो आई डिसाइडेड टू गो आउट एंड ट्राई दैट। मॉनिटरी एंगल, आई न्यू कि यार मैं थोड़ा मॉनिटरी एंगल पे थोड़ा सा अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, और आई वाज लाइक यार मुझे अगले 2 3 साल कहाँ गुजारूंगा कि यार आई गेट मोर मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस विच इज मोर यूनिक देन पीपल हु आर प्रोबली गोइंग टू मिडल ईस्ट एट दैट टाइम। तो एक्सपीरियंस का एक एंगल था, एक उस सेंस में मैं अपनी डेवलपमेंट को देख रहा था कि यार अगेन आई थिंक अगेन द थिंग दैट हेल्प मी एट दैट टाइम वाज कि यार अपॉर्चुनिटी जल्दी आ गई थी मेरे पास, आई हैड दैट लिबर्टी कि यार मैं फैमिली भी नहीं थी उस वक्त, शादी वगैरह नहीं हुई हुई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो आई कुड टेक दैट रिस्क एंड आई डिसाइडेड कि यार यूके साउंड्स अ बेटर बेटर चॉइस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। So that was something that derived my decision at that time. लेकिन यहाँ पे दो बहुत अच्छे पहलू और दो बहुत अच्छी बातें हैं जो हर प्रोफेशनल के काम आएंगी। एक तो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा थी। ये कंपेयर करना कि इतने लोग मिडिल ईस्ट में हैं वर्सेस इतने लोग यूके में हैं तो ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस कहाँ पे होगा, पीपल डोंट थिंक लाइक दैट, उस तरह से लोग सोचते नहीं हैं और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म शॉर्ट साइटेडनेस के साथ डिसीजन लेते हैं कि हर 2 साल में ये सेविंग्स आ जाएंगी तो हमें यहाँ पे चले आना चाहिए, या फलां दोस्त मेरा यहाँ पे है तो यहाँ चले आना चाहिए, और इस दोस्त की फलां जगह इंडस्ट्री में जॉब हो गई थी तो यहाँ चले आना चाहिए। नॉर्मली इस तरह के पॉइंट्स के बारे में सोचा जाता है, लेकिन ये कि मेरी ग्रोथ कहाँ होगी, मेरी लर्निंग कहाँ हो सकती है, मैं कहाँ आगे बढ़ सकता हूँ, ये बड़ी इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग जो आपने इसके अंदर जो है वो कंपेयर किया। और दूसरी बात एट द सेम टाइम एक ये देखने वाली चीज़ है कि आप जब अपनी डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं और इस चीज़ को कंसिडर करने जा रहे हैं, सो वेयर डू यू स्टैंड एज ए प्रोफेशनल, आप अपने 2 3 साल में 4 साल में 5 साल में अपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरह का काम करते हुए देखना चाहते हैं, ये कंसिडरेशन भी अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग एल्स फॉलो देन आई थिंक, बाकी सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करती हैं लेकिन ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कि इन विच ईयर डिड यू गो डिड यू मूव टू यूके, कौन से साल की बात है ये? 2018 2018, प्री कोविड। प्री प्री कोविड कोविड। बट बिफोर वी मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक जो भी आपने बात की ये दुबई लोग फाइनेंशियल चीजें देख रहे होते हैं, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, राइट? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। ओब्वियसली कुछ लोगों के लिए इट दुबई और मिडल ईस्ट वर्क्स बेटर देन मूविंग आउट टू कनाडा, यूएस, यूके इमीडिएटली, राइट? Because you have different goals, right? If you want, and that is also a good route. That is also probably a better route for some people, right? Who are thinking, यार अगले 2 साल में पैसे जमा कर लूँ थोड़े और फिर यूके मूव कर जाऊंगा। That is not a bad option at all. आई एम श्योर मेरे काफी दोस्त दुबई, सऊदिया और इन जगहों पे हैं, ओमान, कतर, आपके भी होंगे। आई डोंट थिंक द एक्सपीरियंस देयर इज बैड, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। यू आर वर्किंग विथ मल्टीकल्चरल पीपल, वहाँ पे भी आपको ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, सऊदी, हर हर बंदे से आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है, एंड क्लाइंटेल देयर इज ऑल्सो क्वाइट क्वाइट डिफरेंट, राइट? पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ भी, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड 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 थिंग। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस, आई वुड से। मेरे सर्कमस्टांसिस वर लाइक यार सही है, मैं मुझे अभी शायद इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देने की किसी को जरूरत नहीं है, या मुझे मेरे इमीडिएट फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, तो आई कुड मेक दैट डिसीजन, बट इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फॉर अदर पीपल। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस, व्हाट यू वांट टू अचीव इन अ शॉर्ट टू मीडियम और लॉन्ग टर्म, राइट? तो डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स बेसिकली। एंड प्राइमरीली दोनों में से जो भी जगह आप चूज करें, जिस भी सेट ऑफ डिसीजंस पर आप जाएं, द थॉट शुड बी डेप्थफुल। उसमें एक एक एंगल ये होना चाहिए कि 2 साल में कहाँ देखते हैं, 3 साल में कहाँ देखते हैं, 5 साल में कहाँ देखते हैं, 10 साल में कहाँ देखते हैं। मे बी इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत लंबी प्लानिंग करें, नो वन नोज के आगे क्या है किस तरह से, लेकिन जिस तरीके से ऑन अ हाईवे वी टेक अ डिसीजन है कि भाई हेडलाइट जहाँ तक नजर आ रही है वहां तक डिसीजन ले सकते हैं, बाकी हम या तो हमें रास्ता पता है या मैप फॉलो कर रहे हैं या हमारी कोई अपनी गट फीलिंग है, उससे आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। यू कैन नॉट लुक बियॉन्ड दी हेडलाइट्स जहाँ तक वो उसको कवर कर रही है। सो बिल्कुल इसी तरीके से इफ आई वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन टूडे, आई कैन फोरकास्ट लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स, 5 से 10 साल में मैं सिर्फ परसेंटेजेस और ग्रोथ लगा रहा, कोई सॉलिड कॉन्क्रीट चीज मुझे उस वक्त पता नहीं होगी कि 5 10 साल में जो है वो क्या होने वाली है। सो
सो कीपिंग मॉनिटरी एंगल अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ऑब्वियसली एक ये एस्पेक्ट होना चाहिए कि आप अपनी सारी चीजों को देखते हुए चलें कि यार आप किस तरीके से आगे उसको देख रहे हैं. मिडिल ईस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको ये टेस्ट करना हो कि डज इट वर्क फॉर यू और नॉट, आपके लिए ये काम करेगी चीज या नहीं करेगी. सो इट्स अ ब्रिलियंट ऑप्शन. एंड देन रिसेंटली वी कवर्ड अ कपल ऑफ कॉन्वर्सेशंस ऑन सऊदी दुबई, तो वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके के काम हो रहे हैं, जिस तरह से दुनिया का कैपिटल वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, क्रेजी थिंग्स, क्रेजी. और बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे जो है वो खुल सकती हैं. खैर, कमिंग बैक टू यूके, सो यू मूव्ड ओवर देयर इन 2018, राइट? आपको तकरीबन 6 से 7 साल वहाँ पे जो है वो अब हो चुके हैं. एंड इट्स क्वाइट ऑफ अ गुड टाइम. सो हाउ डिड यू फाइंड दैट मार्केट? कैसा लगा काम करने में? हाउ इज द एक्सपीरियंस? हाउ डू यू टेल अबाउट द जर्नी दैट यू हैव हैड ओवर देयर फॉर लाइक 6 to 7 years? जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 व्हेन आई केम हियर, इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग. सही है, जब यूके मार्केट में आते हो तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है. फर्म काफ़ी काफ़ी बड़ी. आई मूव टू मैनचेस्टर जस्ट जस्ट फॉर क्लैरिटी. आई डिडंट गो टू लंदन, आई मूव टू मैनचेस्टर. एंड अगेन देयर वाज अ थॉट प्रोसेस कि यार मैनचेस्टर क्यों आया मैं, लंदन क्यों नहीं गया. अगेन देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट. द मेन रीज़न फॉर दैट वाज एट दैट टाइम I wanted to move to non-banking side. I wanted to stay with manufacturing and service side. And I got a feeling yaar, Manchester mein wo opportunities ज़्यादा आ रही हैं at that time. So I decided to move to Manchester at that time. I'm still here, which would tell you yaar, Manchester is a good place to stay. Again, London, Birmingham, they are different cities, different angle to everything, different experiences. But moving to Manchester in 2018, things were good. There were not many Pakistanis or many Asian people in my office at that time. बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे. But again, it did not impact me क्योंकि कुछ कुछ लोग थे, ब्रिटिश पाकिस्तानी काफी, तीन चार लोग थे मेरी ऑफिस में. They helped me out. उन्होंने मुझे काफी हेल्प की एट दैट टाइम टू सेटल इन. Because when you move to a country which is quite different to where you are from, you need some help, you need some support. And I would say कि उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की मुझे. कल्चर के डिफरेंट एंगल्स दिखाए, यार ये कल्चर इस तरीके से है, यहाँ पे कल्चर. कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, ऑल्दो आप अंग्रेजी काफी ज्यादा सीखते हो पाकिस्तान में, बट वेन यू मूव हियर दे यूज सम फ्रेजेस विच यू डोंट अंडरस्टैंड. तो इनिशियली आपको कुछ चीजें बहुत ऑड लगती हैं, बट अगेन यू नो दे हेल्प मी आउट. एंड आई मैनेज टू सेटल इन प्रिटी वेल. आई वुड से अगले 6-7 महीने में आई वॉज क्वाइट सेटल्ड इन. व्हेन आई से सेटल्ड इन, आई आई वॉन्ट टू से कि यार चीजें समझ आना शुरू हो गई थी. आई वॉज फीलिंग लाइक कि हाँ, मुझे अब यूके के लोग समझ आ रहे हैं, माहौल समझ आ रहा है. बट अगेन इट्स अ बिग जर्नी. इट्स क्वाइट अ लार्ज जर्नी when you move to a place like UK. Settled in होने के बाद, I think work angle is quite different. The culture here is quite different. आपको लोगों को समझना पड़ता है यहाँ के. सही है, पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ होता है यहाँ का कल्चर. मुख्तलिफ इन अ सेंस के पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान में अपने एक्सपीरियंस को यहाँ यूके के एक्सपीरियंस से कंपेयर करूँ, पाकिस्तान में हायरार्की काफ़ी होती है. आई थिंक आई फील कि अगर आप, मतलब आई रिमेम्बर जब तक मैं असिस्टेंट मैनेजर नहीं बना था, या शायद सीनियर एसोसिएट, जब तक मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर हैड दैट मच इंटरेक्शन विद द पार्टनर इन पाकिस्तान. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट हेयर. यहाँ पे आप पहले पहले दिन आप ज्वाइन करो एज अ स्टूडेंट, एज एन एसोसिएट, इट्स हाईली प्रोबेबल कि आप पार्टनर के बराबर में बैठे होगे और आप उससे बड़ी चिलिंग वाली बातें कर रहे होगे, राइट? हायरार्की इतनी ज्यादा नहीं है यहाँ जितनी पाकिस्तान में. ये चीज समझने में अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है. तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा डिफरेंस था अगर मैं पाकिस्तान को यूके से कंपेयर करूँ. द कम्युनिकेशन हेयर इज मोर रिलैक्स्ड. आप किसी के साथ भी कभी भी बैठ के बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो. इट डजेंट हैव टू बी वर्क. माई पार्टनर के डायरी में टाइम डाल सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम. Just discuss something very specific about my personal thing as well. They won't mind. They won't mind.
इट इज क्वाइट डिफरेंट पाकिस्तान में. तो ये एक चीज थी जो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा कि यार यहाँ काफी रिलैक्स्ड चीज है, आप माहौल थोड़ा डिफरेंट है. तो वो एक कल्चरल थिंग थी. इसके अलावा आई एम ट्राइंग टू थिंक यार और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो बहुत डिफरेंट थी. आई वुड से जो काम करने का कल्चरल तरीका कार है, पाकिस्तान में लीड सिटिंग्स का बहुत कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, पुरानी पुरानी अप्रोचेस। थोड़ा एक, मैं किसी फर्म को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने 3 साल पहले 4 साल पहले कोई रीति रिवाज अगर बनाया है एक काम को करने का, तो अब अगले साल आने वाला बंदा वर्क पेपर में वही रिवाज फॉलो कर रहा है, वही अप्रोच फॉलो कर रहा है। हमारे यहाँ काम ब्रेक्स होती हैं, उसके बीच में काम होता है। वैसे काम के बीच में ब्रेक्स होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान के कल्चर में ये है। सुबह थोड़ा सा हाँ हमारे यहाँ देर से लोग शुरू करते हैं, 9 बजे फिर भी जल्दी है पाकिस्तानी कल्चर में, शायद 10:30, 10:11 एक ट्रेंड है यहाँ पर। फिर आपको कैलेंडर बुक करना, टाइमिंग्स लोगों से बहुत ज़्यादा जो है वो एलोकेट करना थोड़ा कम देखा गया है। कुछ एंटिटीज़ में है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा कम देखा गया। सो आपने इनकी कंपेरिजन में वहाँ पर किस तरीके से पाया चीज़ों को? हाँ एग्जैक्टली. ये एक अच्छा पॉइंट रेज किया आपने. मतलब चीज़ें बहुत टाइमली टाइमली होती हैं यहाँ पे. सही है, आप जब ऑफिस पहुँचते हो किसी दिन अगर आप 9 की जगह 9:30 हो जाओ तो आपको शायद जगह नहीं मिलती आपके फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ लोग 8:30 बजे 8 बजे से आना शुरू कर देते हैं. तो चीज़ें टाइमली होती हैं. कैलेंडर मैनेजमेंट है ओबियसली. आप ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती. अगेन यू आर राइट, इतना ज़्यादा नहीं होती. काम बहुत इंटेंस होता है, 8 घंटे काम होता है. लेट सेटिंग यहाँ इतना इतना ज़्यादा नहीं होती जितना पाकिस्तान में होती है. पाकिस्तान में आई रिमेम्बर के कभी कभी हम 12-1 बजे बस बैठे हैं, दैट्स क्वाइट नॉर्मल राइट. पाकिस्तान में यहाँ ऐसा नहीं होता. 12-1 बजे आप बहुत ही रेयर होगा, बट इट इज़ वेरी रेयर. आपको बहुत बड़ी रिपोर्टिंग है तो करना पड़ सकता है, डिमांड हो सकती है. तो इतनी ज़्यादा लेट सेटिंग नहीं होती अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें. बट जो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आप काम कर रहे हो, वो सिर्फ आप काम कर रहे हो, फिर आप ब्रेक्स नहीं ले रहे. आप बहुत ज़्यादा ब्रेक्स नहीं ले रहे. यस यू आर टेकिंग टेकिंग अ नॉर्मल ब्रेक. आप लंच कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ऑब्वियसली दैट्स फाइन. नमाज पढ़ने जा रहे हो, दैट्स ओके. बट इट्स नॉट लाइक कि आप आधे घंटे के लिए बस रिलैक्स कर रहे हो कहीं जाके. 8 घंटे आपको सिर्फ काम करना है. सही है. तो अगेन अगर आप ट्रांसफर होते हो पाकिस्तान जैसी जगह से डायरेक्ट यूके में, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है टू गेट यूज टू इट. बट यू इमिजिएटली लर्न के यार हाँ कुछ एटिकेट्स हैं यहाँ जो आपको फॉलो करने हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो हेयर. अगर आप वो फॉलो करो तो यू यू कैन ऑब्वियसली ग्रो एज वेल, डेवलप एज वेल, और फिर आप चीज़ें तौर तो तरीके सीख जाते हो बेसिकली. तो हाँ राइट ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है. राइट 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 एंड कमिंग फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव, कल्चर अच्छा है, सीखने के लिए चीज़ें हैं, ये इस तरीके की बात है जो बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्हें यूजुअली दे गेट टू नो फ्रॉम देयर सीनियर्स, फ्रॉम दी एलमनाइज के यार वहाँ पे इस तरह का कल्चर है, व्हेन यू आर वर्किंग मीटिंग्स हैं, तरीके से आप कैलेंडर टाइम मैनेज करते हो अपना, द रूटीन इज लाइक दैट यू वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव, हमें थोड़ा सा यूके मार्केट, यूके एज अ मार्केट को डीप डाइव करूंगा। वी हैव बीन हियरिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर देयर गोइंग ऑन, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, द इकोनॉमिक फ्रंट इज नॉट दैट गुड। प्लस वहाँ पर आई हैव ऑल्सो हर्ड फ्रॉम पीपल आउटसाइड अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरे कुछ दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो मशीन लर्निंग के ऊपर, AI के ऊपर काम कर रहे हैं, दे वर्क इन यूके। So they told me के there are a lot of Pakistani South Asians coming over there. Opportunities बहुत कम है, market बहुत tight हो चुकी है, a lot of people are there और बहुत ज़्यादा जो है वो applicants हैं on a certain vacancy. That's what I've heard so far. लेकिन ये कि obviously मैं आपके साथ जो है उसको थोड़ा सा wait करना चाहूँगा कि how do you see it as a market from an opportunity perspective A and from an economy perspective B, कि वहाँ पर खुद की economic front UK का कैसा है, falling स्टेबलाइजिंग किस तरह से, और फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं यहाँ. इन्फ्लेशन जो आप सुन रहे हो वहाँ बैठ के, दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट. पाकिस्तान जितना इन्फ्लेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें डबल हो गई हैं. बट येस यू कैन, समवन लाइक मी हु इज़ हियर फॉर 6 years 7 years ऑलमोस्ट 7 years, आई कैन फील द चेंज कि यार एक चीज़ जो मेरी सैलरी का 10% थी वो अब
सैलरी, ऑल्दो सैलरी बड़ी है बट वो सैलरी का 15% है या 20% है. फॉर एग्जाम्पल रेंट की बात करते हैं, रेंट आपका एक सर्टन परसेंटेज होता है सैलरी का, सैलरी ग्रो कर रही है बट वो रेंट की प्राइसेस या आपके मोर्टगेज की प्राइसेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, तो दे आर एक्सीडिंग और दे आर रिड्यूसिंग योर सेविंग्स पोर्शन, राइट? तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली आया है, बट आई डोंट थिंक दैट्स जस्ट यूके स्पेसिफिक, आई थिंक दैट्स पूरी दुनिया में हो रहा है. सही, यूएस में भी हो रहा है, यूके में शायद थोड़ा यूएस से ज्यादा हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पूरी आई थिंक कोविड के बाद जो सारा था, आई थिंक ये एक डोमिनो इफेक्ट है डिस्ट्रप्शन जो जो आया कहीं, सप्लाई डिमांड का, बिल्कुल हाँ ऐसे ही। ये दुनिया में आया, पूरी दुनिया में आया है. बट हाँ यूके में थोड़ा, जो यूरोप में मेरे दोस्त हैं वो इतना इतना ज्यादा कंसर्न नहीं लगते, कहते हैं कि यार वहाँ है मसले बट यूके जितने नहीं है. अगेन क्या फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली आपको पता ही होगा चेंज होती रही है, काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं. ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली एक फैक्टर है कि हम ईयू का पार्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी चीजें महंगी हैं. तो आई थिंक इट इज फेयर टू से कि इकोनॉमिकली, अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, कि इकोनॉमिकली चीजें उतनी ज्यादा इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी 6 साल पहले थी, विच इज पब्लिक पब्लिक नॉलेज एज वेल. हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं. इनफैक्ट अगर मैं 2018 से अभी कंपेयर करूं तो आई थिंक जो बिग फोर्स हैं, या इवन नॉट बिग फोर, आई वुड से बिग टेन बिग 15, आई थिंक द मार्केट फॉर पाकिस्तानीज एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट बिग फोर हियर. सही है, पहले तो ये मैं एक चीज क्लियर करूं, ये जो बिग 10 है बिग 15 है दे आर ऑल्सो वेरी गुड फर्म्स. इट्स नॉट लाइक अ फर्म इन पाकिस्तान, इट्स अ मैसिव फर्म, फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर, दे आर बिग एंटिटीज, राइट? तो वो भी डायरेक्ट पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोगों को उठाती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं. फर्म्स अभी भी ग्रो कर रही हैं, नॉट नेसेसरीली ऑल द सेक्टर्स, सही है, नॉट नेसेसरीली ऑल द लाइन ऑफ सर्विसेज, कंसल्टेंसी फॉर एग्जाम्पल या डील्स शायद उस प्रोपोर्शन से ग्रो नहीं कर रही होंगी जिस प्रोपोर्शन से शायद अश्योरेंस ग्रो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, बट आई थिंक दैट्स अ साइकिल, राइट? दैट कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर. बट इन शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल देयर, हायरिंग अभी भी हो रही है और लोग अभी भी बाहर से उठाए जा रहे हैं. तो इफ़ योर स्टूडेंट्स और इफ़ योर व्यूअर्स आर लुकिंग लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर एट यू नो हैव क्वालिफाइड एंड हैव गॉट सफिशेंट एक्सपीरियंस, दे शुड डेफिनेटली अप्लाई अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट. राइट राइट, मुझे ये बताएं इफ इफ द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, आई मीन जो बिग 15 है, बिग 20 की हम बात कर लेते हैं, वो सारे नाम बड़े हैं, द एंटिटीज आर बिग ओवर देयर, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कैपेसिटी खुलती है, सो ये तो चलें अपॉर्चुनिटी मौजूद है, द वैकेंसी इज देयर, बट क्या उनकी एप्लीकेशंस में हैव यू सीन एनी सर्च कमिंग इन फ्रॉम यूक्रेन रशिया की साइड, जो उनके वॉर के बाद इफेक्ट आया, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन मिडिल ईस्ट कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रशियंस यूक्रेनियंस ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, और पाकिस्तान के कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से अब दुबई में वीज़ा बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो गया है, सो द स्क्रूटनी इज़ वेरी टाइट फॉर पाकिस्तानीज, कुछ लोग वहाँ पर गए, फिर उसके बाद वो इलीगल स्टे कर रहे थे, चंद हज़ारों में उनकी तादाद थी, डिपोर्ट हुए बहुत सारे, आज दुबई में बहुत बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा लेना। सो फ्रॉम अ यूके परस्पेक्टिव एज वेल, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो देखें ये इन्फ्लेशन का मसला, अपॉर्चुनिटी, मुल्क शिफ्ट करना है, एवरी पाकिस्तानी वॉन्ट्स इट, इंडिया में बहुत कल्चर है, बांग्लादेश में बहुत कल्चर है, श्रीलंका में बहुत कल्चर है, श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ एवरी वन वॉन्टेड टू लीव दैट कंट्री, पाकिस्तान 25 बार IMF जा चुका है, हर दफ़ा हम नाजुक मोड़ पर खड़े होते हैं, हर दफ़ा बैंकरप्सी के करीब होते हैं, इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी NRI कल्चर बहुत ज़्यादा है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पासपोर्ट होल्डर्स बहुत ज़्यादा इज्जत से देखे जाते हैं, दीज आर फैक्ट्स, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है, बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, सो व्हाट्स द कॉम्पिटिशन लुकिंग लाइक, आर डू पाकिस्तानीज विजिट ओवर देयर, वहाँ के जॉब ढूंढते हैं, यहाँ से मिल जाती हैं, और अगर मिलती हैं तो हाउ पाकिस्तानीज आर बीइंग सीन एज अ CV और एज अ कैंडिडेट, उस टैलेंट को किस तरीके से वहाँ देखा जाता है। कंपटीशन बहुत है यूके में. इट्स नॉट लाइक एज यू सेड
सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर रहा होता या इंडियन अप्लाई नहीं कर रहा होता, दुनिया भर से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इवन यूएस कनाडा से भी लोग आ रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे होते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मार्केट फॉर मैनी पीपल आउट देयर। सही है, तो कॉम्पिटिशन बहुत है। पाकिस्तानी को परसीव कैसे किया जाता है, आई नो एज यू सेड दुबई वगैरह में शायद थोड़ा डिफरेंट सीन है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे पाकिस्तानी लेबल का आई डोंट थिंक इतना इतना बड़ा इशू है। आई थिंक दे जस्ट लुक एट योर सीवी। इफ यू अमेजिंग हैव एवरीथिंग इन योर सीवी, देन ऑब्वियसली यू हैव टू पास द इंटरव्यू एज वेल, राइट? अगर आप इंटरव्यू में भी कन्विंस कर दो, इंटरव्यू आई थिंक इट्स वन अदर पॉइंट विच वी कैन टच बेस, बट अगेन अगर आप आपकी सीवी स्ट्रांग है, आप इंटरव्यू अच्छा कर लेते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो अच्छा, आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है जो इनको चाहिए यहाँ, तो आई डोंट सी अ रीजन कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा। सही है, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तानी लेबल होना यहाँ पे इशू है। आई डोंट थिंक यार ऐसा है कि इंडियन ज्यादा है पाकिस्तानी कम है, या इंडियंस को ज्यादा बुला रहे हैं पाकिस्तानी को कम बुला रहे हैं। आई डोंट थिंक ये है यहाँ पे। यस दे हैव सर्टेन, आई वोंट से कोटा, बट दे हैव सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दे हैव टू कीप फॉर फ्रॉम ईच नेशनैलिटी या ईच जियोग्राफिक रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। होगा एक्स प्रोपोर्शन अफ्रीकन होने चाहिए, एक्स प्रोपोर्शन एशियन होने चाहिए, वाई प्रोपोर्शन ब्रिटिश होने चाहिए, ये होगा सारी फर्म्स में आई एम श्योर, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। मेंटेन रखना चाहते हैं। दैट इज वन सही ऑफ बात देयर दैट इज वन ऑफ देयर एजेंडा, क्योंकि है। इनको पता है कि यार डाइवर्सिटी और इंक्लूजन से इफ दे हैव डिफरेंट पूल ऑफ टैलेंट, तो वो क्लाइंट को आप शो भी कर सकते हैं कि यार वी आर कंसिडरेट ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, और इन दिनों के यार अगर आपके पास डिफरेंट पूल ऑफ टैलेंट आ रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट्स को और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। दैट इज क्वाइट क्वाइट अ कॉमन थिंग हियर कि यार सारे ब्रिटिश होंगे तो फिर जाहिर है एक एक यूनिक टच या यूनिक नॉलेज या यूनिक एक्सपीरियंस कौन ला रहा होगा, तो वो फिर जाहिर है अफ्रीकन और पाकिस्तानी और इंडियन और जो डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं वो लेके आ रहे होते हैं बेसिकली। तो दे आर अवेयर ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम दे हैव दीज डिफरेंट प्रोपोर्शंस व्हिच दे मेंटेन ऑल द टाइम। तो अगर ऐसा होगा कि यार एक टाइम पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी या बहुत ज्यादा एशियंस हो जाएंगे, तो दे विल बी लाइक ओके लेट्स लेट्स फोकस ऑन अदर रीजंस। ये होता है यहाँ पे हर हर फर्म में, हर कंपनी में होता है, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तानी लेबल का इशू है। इनफैक्ट पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बहुत हैं ऑनेस्टली, नॉट जस्ट ऑफिसेज और बिग फोर, क्लाइंट्स भी हमारे बहुत पाकिस्तानी होते हैं, राइट? तो उनको भी आपको केटर करना होता है, तो इन अ सेंस दे नीड दैट टाइप ऑफ रिसोर्स टू केटर दैट टाइप ऑफ क्लाइंटेल और एंगेजमेंट इज माय थॉट प्रोसेस। बिल्कुल आपने सही बात की। इट्स एन अमेजिंग थिंग टू नो। प्लस मैं ऑडियंस के लिए इस बात को भी क्लैरिफाई करूंगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ज्योग्राफी दैट दे आर लुकिंग टू। वो हर तरीके से डाइवर्सिटी मेंटेन करने की वहाँ कोशिश की जाती है, इन टर्म्स ऑफ द जेंडर, इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स, एक्सपर्टीज। मैं आईव सीन पीपल पीडब्ल्यूसी यूएस में एट दैट टाइम, के एक खातून थी जिन्होंने अंग्रेजी में बैचलर्स किया हुआ था, एंड शी वॉज इन द एश्योरेंस डिपार्टमेंट। She got the opportunity, she made her way through it, और वो associate के तौर पे शुरू किया, सीखते 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 she went on to become an audit partner over there। तो ये एक एक diversity maintain की जाती है वहाँ पर, जैसा आपने बिल्कुल mention किया। So it's along with, एक तो geographical front है, उसके अलावा फिर gender है, communication है, skill set है। सारे ही accountants अगर एक department में आ गए तो फिर वो एक ही तरीके से सोचेंगे। So there's a mix of people from university, from professional qualifications, from so on and so forth। इस तरह से जो है वो balance करने की कोशिश करते हैं। And the same thing happens in MNCs in Pakistan as well, जहाँ पे भी दुनिया में I've had my time at Unilever, तो वहाँ पे diversity को बड़ा जो है वो देखा जाता था और follow किया जाता था। और उसके अपने ज़रे फ़वाद हैं, अपने benefits हैं जो उसके अंदर जो है वो आते हैं। पीपल थिंक डिफरेंटली व्हेन देयर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। सारे लोग अगर अग्री कर गए तो या तो एक वक्त में गलत बात पे अग्री कर जाएंगे, एक वक्त में सही बात पे अग्री कर जाएंगे। सो अच्छा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सो नाउ द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, एंड पाकिस्तानीज के ऊपर कोई एज सच लेबल नहीं है जैसा एक तल्ख हकीकत है, लेकिन मिडल ईस्ट में कुछ हद तक है।
और ये फैक्ट बात है, जो वहां रहते हैं वो बताते हैं कि एक लेबलिंग है यहाँ पर। बारह कहने का मकसद, अगर अपॉर्चुनिटी वहां पर है और पीपल कैन अप्रोच, कर सकते हैं काम। सो अब हम थोड़ा सा इसको डीप डाइव करते हैं विकास। सो यूर इन अ सीनियर मैनेजरशिप पोजिशन, आप एक सीनियर मैनेजरशिप रोल में हैं। अब वो सिचुएशन होगी कि आप लोगों को हायर करते होंगे, उनकी प्रोफाइल्स को ओके करते होंगे, उनके इंटरव्यूज को कंडक्ट करते होंगे, एंड यूर सॉर्ट ऑफ इन अ डिसीजन मेकिंग कि इन्हें रखना है या नहीं रखना है, या आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर डिसीजन लिया जाता होगा कि कैंडिडेट्स को हायर करना है या नहीं करना। सो हम अब इस रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो चलते हैं। सो फ्रॉम रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव, पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या यूके में जॉब हासिल करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ वेटेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इफ समवन वांट्स टू मूव देयर, क्या ऑनलाइन, लिंक्डइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क दोस्तों का, इसे करना चाहिए? या द कॉम्पिटिशन इज सो इंटेंस कि अगर वो फिजिकली वहां आ जाते हैं विजिट पे और आके इंटरव्यू देते हैं तो वो एक बेहतर अप्रोच होगी, या अप्लाई करते हैं तो बेहतर अप्रोच होगी? मैंने कभी कभी सुना नहीं है यहाँ पे कि कोई विजिट पे आया और उसने इंटरव्यू दिया हो, या आई डोंट थिंक ये एक रूट है। लोग सही यहाँ है। पे विजिट पे जो आते हैं वो, इट्स नॉट लाइक दुबई कि आप विजिट का वीजा लगाओ और वहाँ जाके इंटरव्यू दो। आई डोंट थिंक इट हैपेंस लाइक दैट। ऐसा नहीं होता कि आप वॉक इन करके इंटरव्यू दे दें, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। आपकी CV पिक होगी तभी आपका इंटरव्यू होगा, सही राइट? है। तो आई डोंट थिंक विजिट करके इंटरव्यू देना इज एन ऑप्शन हियर। Haven't seen that. So it leaves us with obviously online interview. I know there are some firms or some people I know that they are, मतलब कुछ फर्म्स हैं, कुछ ऑफिसेस, कुछ कुछ बिग 20 में कुछ फर्म्स हैं जो अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स वगैरह को बाकी कंट्रीज भेजती हैं कि यार आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहाँ जाके वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वो एक अलग चीज़ है, दैट हैपेंस। आई डोंट नो पाकिस्तान का होता है नहीं होता, या कोई फर्म कर रही है नहीं कर रही है, बट दैट इज वन ऑप्शन दैट मैनी मैनी फर्म्स आर सीकिंग। यार हम अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी स्पेसिफिक कंट्री भेजें और वहां पे हम इंटरव्यू करें। आई डोंट नो इफ इट हैपेंस फॉर पाकिस्तान और नॉट, बट दैट इज वन वन रूट कि आप जाके इंटरव्यू करो। फेस टू फेस इंटरव्यू ऑब्वियसली इज मोर, इट्स मोर हेल्पफुल, राइट? आपको बंदे के बारे में ज्यादा पता चलता है एज कम्पेयर टू प्रॉब्ली वीडियो इंटरव्यू। तो आई थिंक आई नो दैट many firms are taking that route as well, but हमारे लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, आई थिंक द बेस्ट राउट इज अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन, थ्रू पोर्टल्स 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 आउट देयर, वेबसाइट्स। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी दोस्त को जानते हो, आपका कोई सीनियर है किसी स्पेसिफिक फर्म में, तो आप उसको अपनी CV दे सकते हो, वो आपको रेफर कर सकता है। रेफरल डज वर्क, दैट ऑब्वियसली पुट्स अ वेट ऑन योर एप्लीकेशन एज वेल। जाहिर है अगर कोई कोई बंदा XYZ फर्म में बैठा है और वो कह रहा है कि हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ या इसके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो इट पुट्स अ वेट ऑन दैट, राइट? फिर आपके CV पिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो हाँ, तो आई वुड से कि अगर आपका कोई सीनियर है या कोई भी कॉलीग है किसी भी XYZ फर्म में, तो डू डू रीच आउट टू देम फर्स्ट। अपॉर्चुनिटी आपको पोर्टल पे नजर आ रही है, इवन देन जस्ट रीच आउट टू देम एंड से कि यार आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी, कि आप मुझे रेफर कर सकते हो, एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प आउट, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज एन इंसेंटिव एज वेल फॉर पीपल हु रेफर। नॉर्मली देयर इज एन इंसेंटिव फॉर देम एज वेल। तो आई वुड सर्टनली से कि आप वो वाली रूट लो। CV पर आपको अपना काम करना पड़ेगा। CV, माई अंडरस्टैंडिंग इज कि आपकी जो CV होती है वो कोई ह्यूमन बंदा बैठ के नहीं देख रहा होता, वो पहले पहला जो प्रोसेस होता है वो सिस्टम सिस्टम के थ्रू जा रही होती है CV। सही है? तो सिस्टम को आपकी CV पे स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नजर आएंगे तो ही आपकी CV फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करेगी। अगर वो नजर नहीं आएंगे तो यू विल जस्ट गेट एन ऑटोमेटेड ईमेल कि यार वी कांट प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। तो पहला स्टेप जो है वो आपका CV का होता है। CV की कुछ स्टेप्स मैं जो अपने कॉलीग्स या फ्रेंड्स को देता रहा हूँ या मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बी क्लियर कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। डेट्स वगैरह प्रॉपर लिखो, 3 साल एक्सपीरियंस है, 4 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल एक्सपीरियंस है। बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट, बी वेरी क्लियर ऑन दैट। स्किल सेट पे आपको बड़ा क्लियर होना पड़ता है कि यार
कहाँ आपका स्किल सेट फोकस्ड है, कंसल्टेंसी है, एश्योरेंस है, डील्स है, मेक इट वेरी क्लियर. अगेन दैट शुड बी लिंक्ड टू अ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आपको, यार मैंने डील्स किया है और आप एश्योरेंस की जॉब पे अप्लाई कर रहे हो. सही है, कर सकते हो, बट मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग आउट रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर बेसिकली जो भी आपका डील्स में एक्सपीरियंस है. आपने ऐसा क्या किया है जो एश्योरेंस जॉब के लिए भी फॉर एग्जाम्पल रेलिवेंट होगा? सबसे अच्छी चीज ये होती है कि यार आप जो जॉब है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, राइट? केपीएमजी, फॉर एग्जाम्पल केपीएमजी में मैनेजर रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, यू विल नो कि यार क्या डिमांड है उनकी. 5-6 रोल्स लिखे हुए होंगे स्पेसिफिकली. हैव यू गॉट एन एक्सपीरियंस फॉर दैट रोल? मतलब आपने वो जो 5-6 रोल्स लिखे हुए हैं या 5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं, क्या आपने आपने अपने पिछले 2-3 साल के करियर में वो एक्सपीरियंस की हैं? अगर किए हैं तो यू शुड मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग दैट इन योर सीवी. आप स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज उस रोल से पिक करो और उसको आप अपनी सीवी में इनकॉर्पोरेट करो. मशीन बेसिकली यही देखता है कि यार मेरे पास ये रोल है, इस रोल में ये रिक्वायरमेंट है, क्या सीवी पे ये रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं? आ रही होती है तो आई थिंक इट इट पासिस थ्रू, अगर नहीं आ रही होती तो इट जस्ट रिजेक्ट्स योर सीवी. अमेजिंग, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो कीवर्ड्स बेसिकली जो है वो होता दैट एआई बेसिकली रीड्स दैट कि वो कीवर्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं नहीं है, और फिर उसके बाद वो सीवी जो है वो पिक होती है। वकास, सीवी के हवाले से आई हैव गॉट वन क्वेश्चन। देखिए, सीवी बनाने के दो तरीके हैं। एक जो मुझे समझ में आता है, जो मैं नॉर्मली देखा है, कि इंफॉर्मेटिव सीवी है, बंदे ने अपने बारे में सब कुछ उस पर बताया हुआ है, थिंग्स आर क्लियर, अच्छे से लिखी हुई है, बट वो एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें हर चीज़ का वेटेज बराबर है, ठीक है। और एक तरह की सीवी होती है जो थोड़ा सा ये बताती है कि वॉट यू आर स्पेशलिस्ट अबाउट। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फाइनेंशियल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल लूँ, सो आई फायर 17 इज नॉट दैट ईजी, वो बड़ा मुश्किल काम है उसमें आई फायर 17 के अंदर। सो अगर मैंने आई फायर 17 के 4 क्लाइंट्स किए हुए हैं, 5 क्लाइंट्स किए हुए हैं, एंड आई नो कि मुझे इसकी एक्सपर्टीज हासिल है, सो रादर देन कि मैं अपने एक्सपीरियंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दूँ, हो सकता है लास्ट 2 असाइनमेंट मैंने नहीं किया आई फायर 17 के, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत काम किया है, सो शायद मैं उस सीवी को स्टार्ट ही उस तरीके से जो है वो कर सकता हूँ, और एक एक दिखा सकता हूँ कि यार मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सपर्ट हूँ, एक डोमेन एक्सपर्ट हूँ, मुझे इस डोमेन में खास एक्सपर्टीज हासिल है, अलॉन्ग विद ऑल द जर्नलिस्ट थिंग्स दैट आई हैव डन, I've done this specialist thing as well, right? So, which approach do you recommend? क्या वहाँ पर ये देखा जाता है कि बिल्कुल आखिरी experience क्या था, recency factor आता है, या ये देखा जाता है कि बंदा specialist किस चीज़ में है, और अगर ऐसा है तो क्या CV इस तरह से बनानी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली अगर आपका स्पेशलिस्ट अगर आप हो किसी चीज़ में, IFRS 17 हो गया, IFRS 9 हो गया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ बैंकिंग रोल, IFRS 9 हर बैंक पे रिस्क होता है, राइट? वी ऑल नो दैट. तो और अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यू शुड हाईलाइट दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग दे विल वॉन्ट इन देयर कैंडिडेट, राइट? तो डेफिनेटली यू शुड हाईलाइट दैट. रिसेंसी का फैक्टर डेफिनेटली आता है. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पहले 4 साल आपने एश्योरेंस में काम किया, फिर 3 साल आप इंडस्ट्री में हो और इंडस्ट्री भी इट्स नॉट रेलिवेंट टू एश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर एन एश्योरेंस रोल, डेफिनेटली हुएवर इज लुकिंग एट द सीवी, दे विल प्रेफर कि यार जिसका रिसेंट एश्योरेंस का एक्सपीरियंस है मैं उसको लूँ. उसको सही है, दैट इज इट इज कॉमन, राइट? हाउ इट वर्क्स इज ऑब्वियसली अगर वो बंदा यहाँ बुला रहे हैं तो देर इज एन इन्वेस्टिंग फेज, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? अगर बंदा यहाँ पे आता है तो दे अंडरस्टैंड के शुरू के जो 6 महीने होंगे या साल होगा, वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट इंडिविजुअल, वी आर गेटिंग हिम अप टू स्पीड, हम उसे कल्चर सिखा रहे हैं या सिखा नहीं रहे, वो कल्चर सेटल हो बिल्ड रहा हो है, रहा है, उसके साथ बट बिल्ड हो रहा है, सही। हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली. हम उसे टेक्निकल चीज़ें भी दिखा रहे हैं, हम उसे ऑडिट के बारे में भी, मेथडोलॉजी के बारे में भी बता रहे हैं, तो दे आर इन्वेस्टिंग, राइट? वॉट दे वुड वॉन्ट इज कि यार हम कोई ऐसा कैंडिडेट क्यों ना उठाएं. दो दो एप्लीकेशन है तो आई वुड ऑब्वियसली प्रेफर कि मैं ऐसा कैंडिडेट उठाऊँ जिसमें मुझे कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें मेरा रिटर्न आना जल्दी शुरू हो जाएगा. जल्दी तो शुरू हो जाए। दैट इज मतलब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए. तो रिसेंसी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्म और द पीपल हु आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, दे वुड ऑब्वियसली वॉन्ट समवन हु दे नो कि यार इसमें हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये हमें हमारे
हमारे लिए लाइबिलिटी से एसेट फॉरन बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ये एक एंगल है जो हमें देखना चाहिए। तो रीसेंसी इज वेरी क्रिटिकल। यू शुड ओब्वियसली मेक श्योर कि यार आप ऐसे रोल्स के लिए अप्लाई करो जो आपके रीसेंट एक्सपीरियंस को मैच करते हो। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है, अभी तो खैर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है दैट एवरीवन वांट्स टू लीव दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली, और से फॉर्चुनेटली एक फैक्टर लोगों के अंदर ये है कि दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। मैं चूंकि बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दे टॉक टू मी, दे आस्क के मेरी CV रेफर हो जाए, आप फलाने को रेफर कर दें, इसको कर। सो आई सीन दिस वन थिंग कि वो इंडस्ट्री में है 3 साल 4 साल वहाँ पे लगा चुके हैं, देर इन मैनेजरियल रोल्स, वो देर सीनियर मैनेजर का रोल है, काम कर रहे हैं, देर अप्लाइंग आउटसाइड पाकिस्तान इन 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 फर्म। सो रिसेंसी वाला फैक्टर आता है, थैंक्स टू यू कि आपने वो जो पीछे लॉजिक है वो भी बता दी, रीजनिंग वो भी बता दी। क्या यहाँ पर लोगों को ये रेकमेंड करना चाहिए कि भाई अगर आप इंडस्ट्री में हैं, सो वो होता है ना कि लंबी छलांग मारने के लिए आदमी 2 कदम पीछे जाता है, सो आप किसी फर्म को ज्वाइन करें, जाहिर आप 1 स्टेप डाउन जाएंगे, सीनियर मैनेजर है तो मैनेजर जाएंगे, मैनेजर है तो शायद असिस्टेंट मैनेजर जाएंगे विद द कमिटमेंट कि 1 साल में मैनेजर कर देंगे आपको, बट यू हैव टू गेट इन टू अश्योरेंस बिकॉज लेट्स बी रियल, लेट्स बी ऑनेस्ट, कंसल्टिंग में, डील्स में थिंग्स आर नॉट सेम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में आज जो कंसल्टिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा पीछे है उससे। हमारे यहाँ अभी भी कंसल्टिंग एक्सेल में हो रही है, दुनिया में बड़े एक्सीलेंट किस्म की अप्रोचेस कंसल्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, फ्रेमवर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं। टैक्सेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, अकाउंटिंग IFRS की एडवाइजरी है या अश्योरेंस है, ये सिमिलरली अप्लाई होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट इन पाकिस्तान सिंस 30 ईयर्स, राइट। Transferable skill है, basically हाँ assurance is a skill which can transfer easily from a jurisdiction like Pakistan to एग्जैक्टली, तो आपकी बात सुन के मुझे ये कोई। समझ आ रहा है कि समवन वांट्स टू टेक दैट लीप, उन्हें आगे बढ़ना है और वो उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, दे हैव टू गो इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस 2 स्टेप बैकवर्ड, और वो जाएं फर्म ज्वाइन करें, 1 आध साल वहां पे स्पेंड करें, एंड देन दे अप्लाई टू दीज इंटरनेशनल रोल्स, मूव थ्रू अश्योरेंस, ऐसा ही है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। जनरल जनरल चीज़ हर हर सर्कमस्टांसिस पे अप्लाई नहीं हो सकती है। कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठा हुआ है एंड देयर इज अ राउट कि यार अगले 2-3 साल में ही कैन और ही और शी कैन लीव लीव फ्रॉम दैट कंपनी टू सम अदर बिकॉज मल्टीनेशनल, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं to move outside. I know many of my friends have moved to Middle East or even UK, right? UK भी आए हुए लोग पाकिस्तान से। तो अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन टू जस्ट जस्ट स्टे देयर एंड मेक श्योर दैट यू आर मार्चिंग टूवर्ड्स दैट अपॉर्चुनिटी इफ इफ दैट इज योर गोल ऑब्वियसली। अगर नहीं है तो अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, राइट? वन, यू टेक दिस स्टेप बैक, कम बैक टू फर्म एंड होप दैट यू नो अगले 2-3 साल में भी जो डिमांड आ जाए वो होगी। रिस्क है वहाँ भी। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार आप ओबियसली ट्राई टू गो टू सम मल्टीनेशनल कंपनी, फिर वहाँ से आप अपने एक्सपीरियंस को, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को कैपिटलाइज करें, वहाँ मूव हो और फिर वहाँ से आप बाहर का एग्जिट लें। तो अगेन इट 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 डिपेंड्स के आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं एंड वॉट डू यू वॉन्ट। देखा मैंने काफ़ी लोगों को इस तरीके से करते हुए, दे हैव मूव फ्रॉम इंडस्ट्री टू फर्म, spend some time there and they have successfully exited Pakistan and reached to jurisdictions like Canada, US, UK. देखा है मैंने, होता है, high possibility है, but again it's not a guarantee, right? जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए काम करेगा सही बात, या it depends, right? आगे 3 साल में 4 साल में क्या होना है किसी को क्या पता। बट एक ये रूट अवेलेबल है, सो इन एक टर्म्स ऑफ रूट अवेलेबल MNCs, है, हाँ, ये डेफिनेटली एक रूट अवेलेबल है। यू शुड थिंक अबाउट इट। फर्म का एक्सपीरियंस, आप अश्योरेंस, अपना एक्सपीरियंस, रीसेंट एक्सपीरियंस बिल्ड करें, 1-2 साल में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओब्वियसली यू कैन अप्लाई एंड होपफुली गेट गेट एन अपॉर्चुनिटी विच मैचेस योर स्किल सेट। डेफिनेटली दैट इज अ गुड रूट। सो रादर देन, एक तो देखें अगर MNC में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, एज यू राइटली मेंशन कि अगर वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नथिंग लाइक इट, लेकिन वहाँ पर अमूमन ये देखा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप फाइनेंस की बात करें तो इट्स नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ECCS दैट आर कॉम्पीटिंग, वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग
कॉम्पीट कर रहे होते हैं एंड 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 थिंग्स थिंग्स आर नॉट दैट यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन. चीजें बहुत डिफर कर जाती हैं, द रूल्स आर वेरी लेस. फिर उसके बाद बहुत लोग होते हैं कॉम्पीट करने के, लेकिन दूसरा रूट ये वाला अवेलेबल है जो कंसिडर किया जा सकता है कि आपने फर्म में मूव किया और फर्म में मूव करने के बाद यू अप्लाई टू टू अपॉर्चुनिटीज इन यूके एंड यू वर्क विद दैट. ठीक है, सही. That doesn't mean you have to move back to, in my experience, that doesn't mean कि अगर आप इंडस्ट्री से फर्म आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिग फोर में मूव करो. रेलिवेंट एक्सपीरियंस या रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ बिग सिक्स, बिग सेवन, इवन इन पाकिस्तान बिग टेन, दैट ऑल्सो काउंट्स. सही है, आप बीडीओ में भी हो तो आपका ऑडिट का एक्सपीरियंस है, राइट? दैट इज क्वाइट रिकग्नाइजेबल हेयर इवन इन बिग फोर. तो ये एक चीज कंसिडर करने वाली है. And one more thing, Vikas, a couple of questions more and I'll conclude then, inshallah. एक बात ये कि when I was in Saudi in 2019, मैंने तकरीबन एक साल वहाँ पर के PMG के साथ काम किया. So at that time I heard people saying कि इंडस्ट्री की तरफ मूव अगर करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वर्किंग इन अ फर्म, वहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाएं, आप रिपोर्टिंग की तरफ मूव कर जाएं, फाइनेंस की तरफ मूव कर जाएं. सो एक एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार फर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता कि लोगों को निकाला जाए या डाउनसाइजिंग हो या रिस्ट्रक्चरिंग हो, ऐसे मसाइल फर्म्स में नहीं होते. लेकिन कुछ कल्चर्स के अंदर ये बात बड़ी प्रोमिनेंट होती है कि ज़रा रिस्ट्रक्चरिंग होती है एंड यू गेट टू लूज योर जॉब ओवर देयर. फ्रॉम यूके पर्सपेक्टिव, पहले तो मुझे बताइएगा, आपने इंडस्ट्री को भी मूव करने के बारे में सोचा? डू यू कंसिडर इट एज एन ऑप्शन, नॉट फॉर योर सेल्फ नेसेसरली, आप किसी के लिए अगर रिकमेंड करें तो आप वहाँ की इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, न्यूआंसेस वगैरह, कि ये किस तरह का ऑप्शन है वहाँ पर काम करने के बाद? इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पाकिस्तान. मैं कहूँगा फर्म इंडस्ट्री का जो डिफरेंस है वो पाकिस्तान या कोई और मार्केट के क्वाइट इक्विवेलेंट है. फर्म में जॉब की सेफ्टी ज़्यादा होती है, सही है, एज यू मैंशनड. और बाकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. इंडस्ट्री में यू हैव टू बी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी थोड़ी कम हो जाती है इंडस्ट्री में. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि यार इन 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 यू के इन द फर्म आई कैन मैनेज माई ओन कैलेंडर, राइट? कि अगर मुझे 3 बजे फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाना है एंड एवरी डे आई हैव टू बी समवेयर टू पिक माय सन फॉर एग्जांपल. आई डोंट हैव अ सन जस्ट टू बी क्लियर, बट फॉर एग्जांपल 3 बजे मुझे अपने बच्चे को पिक करने जाना है तो आई कैन बी फ्लेक्सिबल एवरी डे. इंडस्ट्री में भी होता है बट एक हद तक यू हैव टू बी एट योर डेस्क इफ यू आर डूइंग दैट जॉब. इंडस्ट्री मोनिटरीली ज़्यादा पे करती है आपको, फर्म कम पे करती है, बट अगेन द रिस्क इज देयर कि आपको अगर कुछ होता है इकोनॉमिकली, डाउनसाइजिंग का प्लान होता है तो देर इज अ हाई चांस कि आपको निकाल दिया जाए. तो एक एक रिस्क होता है. मैंने पर्सनली ऐसा नहीं, मैंने नहीं सोचा, बट गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई डिसाइडेड टू स्टे इन द फर्म बिकॉज अगेन जॉब सेफ्टी. अगर आप वीजा पे होते हो, इफ यू आर ऑन अ वीजा, तो आई थिंक इट इट मेक सेंस कि आप ऐसी जॉब पे रहो कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलती रहे. इफ यू हैव द पासपोर्ट देन आई थिंक इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगेन यू विल ऑब्वियसली थिंक, राइट, कि इंडस्ट्री में मूव होने से पहले इंडस्ट्री कंपनी कौन सी है, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं. बट अगेन इट चेंजेस क्वाइट ड्रामेटिकली इफ यू हैव If you have a British passport or if you can just stay without a sponsorship. तो ये एक मेजर फैक्टर होता है. तो इन शॉर्ट आई थिंक इट्स सेंसिबल कि आई स्टे, आई डिसाइडेड टू स्टे विद द फर्म फॉर नाउ, बट अगेन इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. And you mentioned about this visa and the passport factor. How is that journey over there? एक ये consideration भी होती है before moving on to a market के permanent residence कितना जल्दी मिल जाएगी, कितना जल्दी passport की तरफ चले जाएंगे. Plus at times when companies sponsor they give you a kind of visa जिसमें वो कहते हैं कि ये transferable नहीं है, 5 साल आपने हमारे साथ रहना है, उसके बाद यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री. इसमें कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा, पासपोर्ट का प्रोसेस नहीं होगा. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स लाइक? एक हाई लेवल समरी, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल डिटेल्स में उसके नहीं जा सकते, लेकिन एक ड्यूरेशन वाइज कितना ल्यूक्रेटिव है, मिल भी जाता है या नहीं मिलता, और द क्यू इज़ वेरी लॉन्ग ऑन 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 दोज फ्रंट्स.
प्री कोविड देवर डिफरेंट वीजा टाइप्स। पहले हमें जो वीजा मिलते हैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान से अकाउंटिंग फर्म से यूके मूव कर रहे होते हैं, उनके लिए पहले कुछ कैटेगरीज थी वीजा की। अब इट इज क्वाइट सिंप्लीफाइड। सही है, पहले दो राउट थे बेसिकली। एक ये था जिसमें आपको 5 साल आप स्पेंड करो एंड यू गेट अ वीजा, सॉरी यू गेट अ ILR विच इज इंडिपेंडेंट लीव टू रिमेन, और उसमें 1 साल रहो तो उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली टू समराइज, 6 साल आप यूके में लगाओ, आपके हाथ में पासपोर्ट होगा। पहले सॉरी, दो ILR ऑप्शन। इज जस्ट लाइक PR इन द केस ऑफ कनाडा, जिस तरह लोग कंपेयर करते हैं PR इन लाइक द टू केस ऑफ लाइक कनाडा एंड और और ग्रीन कार्ड इन द आयरलैंड और केस ऑफ समथिंग यूएस। एल्स। या सही है। और दूसरा पहले ऑप्शन ये, दूसरा एक दूसरा वीजा टाइप ये होती थी कि आप 5 साल स्पेंड करो बट यू वोंट गेट एन ILR। आफ्टर 5 years यू हैव टू लीव यूके एंड यू कैन ओनली कम बैक आफ्टर स्पेंडिंग 1 year कूलिंग ऑफ। कूलिंग ऑफ। ये ऑप्शन था बेसिकली। अब सिंप्लीफाई हो गई ये चीज़ें, ये जो मैंने कहा दिस इज नॉट नॉट रिलेवेंट एट ऑल। एक ही वीजा टाइप है विच इज कॉल्ड स्किल्ड वर्कर वीजा। आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हो, आप 5 साल लगाते हो, 5 साल के बाद आपको ILR मिलता है और 6 साल के बाद आपको उसके 1 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट मिल बेसिकली जाता है। सिंपल है, 6 साल की जर्नी है। यू एंटर यूके एंड यू गेट अ पासपोर्ट आफ्टर 6 6 years, 6 and a half years ओब्वियसली प्रोसेस वगैरह का टाइम होता है। बट टू ब्रिलियंट सिंप्लीफाई, ब्रिलियंट। ओनली वन राउट विच इज कॉल्ड स्किल वर्कर वीजा। यू गेट इन, यू स्पेंड 6 years एंड यू गेट अ पासपोर्ट। एंड लेट्स से फ्रॉम एन एवरेज पर्सपेक्टिव, सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग नाउ। फ्रॉम एन एवरेज फाइनेंस स्टूडेंट और लेट्स से अकाउंटेंसी स्टूडेंट, हम एक एवरेज CACCA के बच्चे की बात करते हैं जिसकी जरूरियात भी हैं, सर्कमस्टेंसेस के अंदर मॉनेटरी पर्सपेक्टिव भी है, बट ही वांट्स टू ग्रो एज वेल, वो जिंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं। सो कीपिंग टुडे इन योर पर्सपेक्टिव, कीपिंग US एज अ मार्केट, कैनेडा एज अ, नॉर्थ अमेरिका इन जनरल, मिडल ईस्ट एज अ मार्केट, व्हाट वुड यू रेकमेंड टू समवन? क्या उन्हें UK कंसिडर करना चाहिए, उसे पहले रखना चाहिए, और देयर इज एनी अदर मार्केट दैट यू लुक एज मोर ल्यूक्रेटिव? और क्या पासपोर्ट परस्यू करने के हवाले से आपका पर्सपेक्टिव होगा कि समवन शुड कम टू UK एंड पासपोर्ट को परस्यू किया जाए या नहीं? आई थिंक व्हेन आई कंपेयर यूके टू कैनेडा एंड यूएस, अगेन मैं वहाँ पे ज़ाहिर है उसमें काम नहीं किया, बट एक जो परसेप्शन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि यूएस कैनेडा इज़ फाइनेंशियली मोर लुक्रेटिव। वहाँ पे आपकी सेविंग्स ज़्यादा होती हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो उस एंगल से यूएस कैनेडा इज़ पॉजिटिव व्हेन यू कंपेयर टू यूके, बट उसका फिर डाउनसाइड भी है। वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस यूके जैसा नहीं है। यूके का वर्क लाइफ बैलेंस इज, माय अंडरस्टैंडिंग इज, इट्स बेटर। अगेन ये सारा परसेप्शन पे बेस्ड है और जो मेरी दोस्तों से और जो कॉलीग से बातचीत होती है उस पे बेस्ड है। इट माइट बी डिफरेंट इन रियलिटी, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, वर्क लाइफ बैलेंस इन यूके इज बेटर देन यूएस कैनेडा। अगेन यूएस इतना बड़ा है, आपके डिफरेंट रीजन्स होते हैं। आई एम श्योर न्यूयॉर्क का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बुरा होगा, शायद कोई और टेरिटरी का, टेक्सास का फॉर एग्जांपल, माइट बी बेटर, आई डोंट नो। बट जनरली पैसे आपको वो ज़्यादा दे तो काम भी ज़्यादा कराते हैं, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा फैक्टर हम पाकिस्तानियों के लिए ये भी होता है कि यार आप, मतलब मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने कंट्री से कितना दूर हूँ, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यू हैव टू मीट योर फैमिली, पेरेंट्स हैं आपके, कुछ अटेंड करना है, कुछ खुद भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यूके इज नॉट दैट फार। मतलब मैं पर्सनली बिफोर आई गॉट मैरिड आई यूज टू गो टू पाकिस्तान 2 3 times a year, वो पता भी नहीं चलता था। सिमिलरली मेरा भाई कनाडा में है, ही नॉर्मली विजिट्स वंस ए ईयर बिकॉज उसको अपना सारा प्लान करना पड़ता है, राइट? छुट्टियाँ लेनी होती हैं, ट्रेवल जर्नी है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। आई थिंक ये भी एक फैक्टर कंपेयर करने वाला है। आई एम श्योर दिस इज अ फैक्टर मैनी पीपल गो टू दुबई और सऊदी अरब, राइट? कि हम अपनी या फैमिली से करीब हों। दे तो कंसीडर यूके इज दैट। बेसिकली, यूके अगर आप ऐसे सोचें तो यूके इज लाइक अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन, इट्स यूएस इज एक्सट्रीम, यूएस कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया इज एक्सट्रीम,
यूके इज मिडल एंड देन यू हैव गॉट मिडल ईस्ट टेरिटरी अगर आप डिस्टेंस देखें पाकिस्तान से, तो ये एक फैक्टर है आई थिंक जो यूके की मार्केट इज, अगेन आई वुड से इट्स गुड, यहाँ के अलग बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियली आप इतना ज़्यादा सेव नहीं कर रहे होते, बट अगेन द लाइफ स्टाइल हेयर इज क्वाइट गुड, बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है, छोटा सा कंट्री है, सही है, काफ़ी स्टैंडर्डाइज हैं चीज़ें, वेदर इज ऑल्सो डिसेंट, बहुत अच्छा नहीं है वेदर, बारिश बहुत होती है, सर्दी भी बहुत होती है टाइम्स, मतलब जुलाई चल रहा है और अभी तक हम कोट पहन के बाहर जाते हैं, इट टेल्स यू इट्स नॉट अ ग्रेट वेदर, बट इट इज डेफिनेटली स्टैंडर्ड वेदर, एक जैसा वेदर है, आप इतना हार्श नहीं है वेदर, कैनेडा फॉर एग्जाम्पल देखें तो इट इज कैन बी क्वाइट हार्श, गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहाँ, तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ ऐसा नहीं है, यूएस अगेन रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, बट अगेन आई थिंक वहाँ भी एक्सट्रीम हो सकता है वेदर, यूके का ऐसा नहीं है, यूरोप एंड यूके इज वेदर इज इन बिटवीन, तो ये भी एक फैक्टर है जो मेरे ख्याल से कंपेरिजन में रखा जा सकता है, और भी डेफिनेटली बहुत फैक्टर होंगे, बट दिस इज व्हाट आई कैन रिमेम्बर दिस स्टेज। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग, थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू फॉर योर टाइम. हमने जितने फैक्टर्स हम कवर कर सकते थे रिगार्डिंग दिस मार्केट हमने किए हैं. आई होप दिस वुड हेल्प द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स टू टेक अ बेटर डिसीजन इन देयर करियर, इन देयर प्रोफेशनल जर्नी, और वो उसमें एक सही तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकें. द पर्पज ऑफ ऑल दीज कॉन्वर्सेशन इज द सेम, के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी हद तक इससे जो है वो हेल्प हो सके, एंड दे कैन पीपल हु आर वॉचिंग दे कैन लेट अस नो देयर थाट्स, देयर क्वेश्चंस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड द फीडबैक सेक्शन. और अगर कोई सवाल इस तरह के मजीद हों तो हेल्पिंग यू, और मैं आपको थोड़ा सा जो है उस पर तंग करूंगा, एंड विल गिव दीज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन टू देम के उसके हवाले से जो है वो क्या हो सकता है. ओवरऑल इन जनरल इफ आई समराइज, द मार्केट इज गुड, अपॉर्चुनिटी इज देयर, ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग, एंड काफ़ी कुछ आदमी जो है वो सीख जाता है, काफ़ी कुछ आदमी प्रॉस्पर कर जाता है. बट इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच, पीपल शुड बी स्पेसिफिक टारगेटिंग दीज पोर्टल्स, ज़्यादा वो वक्त लगाएं इन पोर्टल्स के ऊपर, अप्लाई करें, रेफरेंस निकालें, नेटवर्क निकालें, और अपनी CV ऐसे प्रेजेंट करें जो उस क्राइटेरिया में फॉल कर सकें, एंड देन द इंटरव्यूज और बाकी सारा जो प्रोसेस है वो उस तरीके से जो है वो फॉलो होगा. सो इन जनरल द मार्केट स्टैंड एज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बस लोगों को वक्त लगाने की ज़रूरत है, और उस तरह से जो है वो थोड़ी सी मेहनत कर लेने की ज़रूरत है. काफ़ी कुछ रखा यूके हुआ है. आने के लिए मेहनत करनी, डेफिनेटली ये जो आपने सारे फैक्टर्स बताए दे आर रेलिवेंट एंड दे आर एप्लीकेबल टू रीच रीच अ प्लेस लाइक यूके और सम अदर टेरिटरी एज वेल, सिमिलर टेरिटरीज, फिर यहाँ आके जो जर्नी है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, हर बंदे की डिफरेंट जर्नी होती है, ग्रोथ येस इट्स देयर, बट इज इट दैट ईजी टू ग्रो, प्रोबेबली नॉट फॉर एवरी वन, फिर वो एक अलग एक उसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, आई हैव सीन पीपल हु स्ट्रगल who have to go back as well, so that is also something that you have to be That mindful is of, there. ऐसा नहीं हुआ कि आप आ गए तो बस सही है, जिंदगी आसान है, ऐसा नहीं है, जिंदगी शुरू हुई है फिर यूके की, और फिर आपको और चैलेंजेस हैं जो फेस करने होते हैं, एंड एवरीवन फेसेस आर चैलेंज, नॉट पीपल जस्ट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, पीपल कमिंग फ्रॉम अदर टेरिटरीज एज वेल, जाहिर है आप डिफरेंट कल्चर में आ रहे हो, विच इज अ फास्ट पेस्ड कल्चर, डिमांडिंग कल्चर है, तो आप स्ट्रगल करोगे इनिशियली, इट इज क्वाइट कॉमन दैट यू स्ट्रगल, बट हाउ यू डील विद दैट स्ट्रगल इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल बेसिकली, इज माय अग्रीड ओपिनियन। अग्रीड परफेक्ट. वकास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, योर इनसाइट्स. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, मैं आपको जरूर तंग करूंगा. आई विल टेक रिस्पांस फ्रॉम यू, आई विल टेक फीडबैक फ्रॉम यू. तब तक के लिए वी विल कीप इट दिस वे. हम इंशाल्लाह इस तरह की मजीद कॉन्वर्सेशंस फॉर आवर ऑडियंस, फॉर आवर व्यूअर्स लाते चले जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन देयर फीडबैक वी होल्ड दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस, इनको काफी हद तक हेल्प करें. थैंक यू सो मच वकास, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. No problem, no problem. Thank you for having me as well. Thank you. Love is.